सर, आप जो ये सम्मान समारोह रखा हुआ है वो किस लिए किया गया है? इस वैश्विक महामारी में जो कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर घूमते रहे, जब पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में था, कर्फ्यू में घर के अंदर रह रहा था, इन लोगों ने, सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर निकले और लोगों की सहायता की, सेवा के कार्य किए, दिन रात उस सेवा के कार्य में लगे रहे, इसीलिए इन सभी भाइयों को हमने सम्मानित किया है। सहगल सर, जो ये सम्मानित समारोह किया गया है, इसमें आपने किस किस को सम्मानित किया है एंड किस बेस पे किया है? जय श्री राम जी। सम्मान समारोह तो एक प्रोत्साहन है जो समाज के लिए काम करता है। इस वैश्विक महामारी में जिन लोगों ने जन सेवा की, नर सेवा की, नारायण सेवा की, अपने समाज की सेवा की, अपने देश की सेवा की, जैसे कि मीडिया कर्मी है, सफाई कर्मी है, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है, इन्होंने अपने देश, अपने समाज, अपने हिंदुस्तान के लिए काम किया। हमने तो एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, सिर्फ एक सेक्टर 36 में, चंडीगढ़ में। समाज सेवा की तो करोड़ों लोगों ने है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ जो उनकी गिनती नहीं कर सकता। कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया आज, जो हमें लगा कि वाकई ही उन्होंने काम किया है, जैसे रविंदर बिल्ला जी हैं, बिल्ला जी का ग्रुप है, तो इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 60 से 65 दिन कम से कम जंगलों में, जहां झुग्गियां हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको भी इन्होंने खाना पहुँचाया। शमशान घाट, जहाँ कोई सिर्फ दुर्घटना में या किसी के साथ जाना मुश्किल से पसंद करता है, उस जगह पे भी इन्होंने रेगुलर खाना पहुँचाया। ट्रांसपोर्ट, जो चंडीगढ़ का एक बापू धाम रेड जोन एरिया है, बिल्कुल उसके साथ सटा हुआ है, वहाँ भी ये दिन में दो बार, मतलब दोपहर का और रात का भोजन, कम से कम वहाँ पे 500 से 700 लोगों का भोजन ट्रांसपोर्ट एरिया में ही अकेला दे के आते थे। मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला, तभी मैंने जाना कि बिल्ला जी और उनकी टीम क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, किस स्तर तक कर रही है। इसलिए हमें लगा कि रविंदर बिल्ला जी को भी इस छोटे से एक समारोह में एक इनको भी लाना चाहिए। रविंदर बिल्ला जी, आपने जैसे कोरोना टाइम में लोगों की सहायता की है, वो किस किस प्रकार से की है? देखो जी, सहायता मैं तो करने वाला कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे तो साथ जो मेरी टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। ये जो लंगर है, गुरु का लंगर है, गुरु नानक का 20 रुपए का लंगर पीछे सदियों से चला आ रहा है। हम तो सेवा भी, ये सेवा भी तेरी सेवा, तेरी सेवा तुझसे हुई, ये उसी कालपुरख गुरु नानक साहब जी ने हमें ये सेवा बख्शी है। मैं उसका कोटान कोटान शुक्र करता हूँ। गुरु नानक साहब, आपने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के हमें ये सेवा दी है। बाकी ना तो सेवा करने की हम शम्स हैं, सख्त हैं, क्योंकि ये सेवा अकाल पुरख ने आप करवाई है हम लोगों से, हम बच्चों से, अपने आप से हाथ रख के, शीश पे हाथ रख के सेवा करवाई है। इसके लिए मैं परमात्मा का बारंबार नमस्कार करता हूँ और कोटान कोटान इसका शुक्र करता हूँ कि उन्होंने इस वैश्य महामारी में हम पे, हम लोगों के सिर पर हाथ रखा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। इतना धन्यवाद जरूर करता हूँ कि जितने भी जो हमारी टीम है, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये विश्व हिंदू परिषद और सेक्टर 36 के न्यू वेलफेयर एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमें सम्मान सम्मान दे रहे हैं, जबकि हम इसके लायक नहीं हैं। इतना कहते हुए मैं, जय हिंद, जय भारत।